इस कहानी की शुरुआत 1760 का समय दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है और इस फैमिली का नाम कोलिन फैमिली होता है। इस फैमिली में केवल 3 ही सदस्य थे, जिसमें कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम वार्नावस होता है और उसके मम्मी पापा। ये काफी छोटा और सुखी परिवार था क्योंकि वार्नावस के फादर का फिशिंग का काफी बड़ा बिजनेस था, जिसमें कि उन्हें काफी मुनाफा होता था और इसीलिए उनकी कंपनी काफी फेमस थी। और जिस घर में ये लोग रहते थे उसका नाम कोलिनवुड था। अब टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है और वार्नावस अब बड़ा हो चुका था और वो अपने महल में ही काम करने वाली एक लड़की से प्यार करने लगता है, जिसका नाम एंजेलिक था। यहाँ पर एंजेलिक वार्नावस से खुद को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वार्नावस उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि दरअसल वार्नावस किसी और को पसंद किया करता था और वो उसी के साथ शादी भी करना चाहता था। अब एंजेलिक को वार्नावस की ये बात काफी बुरी लग जाती है और वो उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगती है, और इसीलिए वो काले जादू का सहारा लेते हुए वार्नावस के पेरेंट्स को मरवा देती है। और साथ ही साथ वो वार्नावस को भी श्राप देती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो लड़की मर जाएगी। उसके लिए कर्ज से वो लड़की पजेस होकर सुइसाइड कर लेती है और इस बात से दुखी होकर वार्नावस भी सुइसाइड कर लेता है। लेकिन वार्नावस के मरने से पहले एंजेलिक यहाँ पर पहुंच जाती है और वो यहाँ पर वार्नावस को एक डेमोनिक वैम्पायर बनने का कष्ट देती है और अब इससे वार्नावस की आत्मा अमर हो जाती है। इसके बाद एंजेलिक वहाँ के सभी लोगों को इकट्ठा करके बताती है कि वार्नावस एक वैम्पायर है और इसी वजह से वो सभी लोग उसे कब्र में दफना देते हैं। अब इसके बाद 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काम ढूंढने के लिए कोलिन वुड्स यानी उसी जगह पर जा रही थी और इस लड़की का नाम विक्टोरिया था। खैर, अब इसके बाद जब वो लड़की कोलिनवुड्स पहुंच जाती है तो ये वहां जाकर बताती है कि मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आई हूँ। वो महल के अंदर आ जाती है और वार्नावस की पिक्चर को देखकर पूछती है कि ये कौन है, और तभी यहाँ पर इस पैलेस की मालिक आ जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। इसके बाद वो विक्टोरिया को इस घर के बारे में सब कुछ बताती है। साथ ही वो विक्टोरिया से कहती है कि मेरी बहन का एक बेटा है और मैं उसी के लिए तुम्हें काम पर रख रही हूँ। यहाँ पर विक्टोरिया एलिजाबेथ से उस बच्चे की माँ के बारे में पता करती है जो कि एलिजाबेथ की बहन थी। यहाँ पर एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसकी समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी से मिलवाती है। खैर, अब डिनर का टाइम हो जाता है और यहाँ पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से मिलती है और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ की एक फ्रेंड भी पहुंच जाती है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट थी। अब यहाँ पर वो बच्चा चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने के लिए आता है। यहाँ पर एलिजाबेथ उस बच्चे को समझाती है कि आज से तुम्हारी नई टीचर है। वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ मरी नहीं है, और इस पर विक्टोरिया उसके साथ हंस देती है, जिस पर विक्टोरिया उस बच्चे का साथ देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है और इसे फिर से यहाँ पर कोई चादर ओढ़कर डराने के लिए आया था। और जब विक्टोरिया वो चादर हटाती है तो उसके नीचे एक आत्मा होती है। वो विक्टोरिया से कहती है कि वो आ रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो उस आत्मा का पीछा करती है। अब इसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे और यहाँ पर उन्हें खुदाई करते हुए कब्र में से एक ताबूत मिलता है। और जैसे ही उस ताबूत को खोलते हैं वार्नावस बाहर आ जाता है। वो एक एक करके इन सभी पर अटैक करके इनका खून चूस लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर एक आदमी से पूछता है कि बताओ कोलिन्स फैमिली का कोई आदमी अभी भी जिंदा है। वो आदमी कहता है कि हाँ, अभी कोलिन्स फैमिली में 4 आदमी रह रहे हैं। यहाँ पर वार्नावस उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है और यहाँ पर वार्नावस को पता चलता है कि 200 साल बीत चुके हैं। इसके बाद वार्नावस अपने घर पहुंचता है यानी कि कोलिन्सवुड। यहाँ आकर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसके नेफ्यू यानी कि उसी बच्चे से मिलता है। वो बच्चा एलिजाबेथ की बेटी से कहता है कि ये तो वही आदमी है जो कि पेंटिंग में है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने आप से मिलवाते हैं और कहते हैं कि हम कोलिन्स फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एलिजाबेथ पहुंच जाती है जहाँ पर वार्नावस उसे अपने साथ हुई सारी बातों के बारे में बता देता है और साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि मैं अब एक वैम्पायर बन चुका हूँ और मैं कभी मर नहीं सकता क्योंकि मैं इमोर्टल हो चुका हूँ। साथ ही वो यहाँ पर पैलेस के खुफिया रास्ते और उसके खजाने के बारे में बताता है। वो यहाँ पर एलिजाबेथ से प्रॉमिस करता है कि भले ही मैं शापित हूँ लेकिन इससे तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इतने सारे खजाने को देखकर एलिजाबेथ उससे कहती है कि इतने सालों में हमें इस खजाने के बारे में कभी पता नहीं लग पाया। यहाँ पर वार्नावस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी फैमिली का मेंबर्स बनना चाहता हूँ। खैर, अब यहाँ पर एलिजाबेथ उसकी ये बात मान लेती है लेकिन वो उससे कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच में ही सीक्रेट रहेगी। इसके बाद वार्नावस फैमिली के बाकी मेंबर्स से मिलता है और फिशिंग के बिजनेस के बारे में पता करता है। यहाँ पर एलिजाबेथ कहती है कि फिशिंग का बिजनेस लगभग खत्म होने वाला है क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है, उसने सभी मछुआरों को खरीद लिया है। यहाँ पर वार्नावस उनसे कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया भी पहुंच जाती है और वार्नावस उसे देखकर अपनी मर्जी का एक नाम दे देता है। इसके बाद हमें एंजेलिक को दिखाया जाता है जिसका मछलियों का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यहाँ पर एंजेलिक को कल जंगल में होने वाली वारदात के बारे में पता चलता है और इसलिए एंजेलिक चेक करने के लिए खुद वहां पर पहुंचती है और यहाँ पहुंचकर उसे पता चल जाता है कि वार्नावस अपनी कब्र से बाहर आ चुका है और वो यहाँ समझ जाती है कि वार्नावस यहाँ
यहाँ से बाहर जाकर सीधा अपने प्लेस यानी कि कोलिन्सवुड गया होगा। और एंजेलिक भी उससे मिलने के लिए कोलिन्सवुड चली जाती है। अब यहाँ अगर वो एलिजाबेथ से वर्नावस के बारे में पता करती है और इसके बाद एंजेलिक वर्नावस से मिलती है। अब क्योंकि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे इसलिए ये अपनी पिछली यादों को एक दूसरे से बताने लगते हैं। यहाँ पर वर्नावस उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार किया करता था तुमने उसे ही मार दिया और तुम्हारे इस घटिया से कर्ज के चलते अब मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर एंजेलिक उससे कहती है कि तुम पुरानी सभी बातों को भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन वर्नावस उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर वर्नावस को इस बात का पता भी लग जाता है कि एंजेलिक ने ही उनके बिजनेस को बर्बाद किया है। अब इसके बाद वर्नावस खजानों के पैसों से उस कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है। लेकिन ये बात एंजेलिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वो उससे काफी जेलस होती है। अब इसके बाद वो साइकाइट्रिस्ट वर्नावस को हिप्नोटाइज करती है और यहाँ पर उसे पता लग जाता है कि वर्नावस एक वैम्पायर है। अब इसके बाद वो एलिजाबेथ के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि वर्नावस एक वैम्पायर है। वो कहती है कि वो एक वैम्पायर है, तुम सबका खून चूस लेगा इसलिए तुम्हें उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन एलिजाबेथ उससे कहती है कि नहीं, मैं उसे कहीं नहीं निकालूंगी, वो हमारे साथ इसी घर में ही रहेगा क्योंकि वो भी हमारी कोलिन्स फैमिली का ही एक मेंबर है। अब इसके बाद विक्टोरिया और वर्नावस की दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ काफी समय बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ एंजेलिक वर्नावस से मिलने के लिए एक मीटिंग करती है और अब इसके बाद वर्नावस एंजेलिक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ पर एंजेलिक वर्नावस से उसकी कंपनी को खुद के साथ शेयर करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर वर्नावस ऐसा करने के लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा बिजनेस बर्बाद करने के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरा बिजनेस लगभग बर्बाद ही कर दिया था। दूसरी तरफ वो साइकाइट्रिस्ट बहाने से वर्नावस का कुछ खून निकाल लेती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया को रात में सपना आता है, उसे अपने बचपन का सीन दिखाई देता है कि जब वो छोटी थी तब उसे भूत दिखाई दिया करते थे और इस बात से परेशान आकर विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उसे मेंटल अजाइलम भेज दिया था। अब क्योंकि विक्टोरिया को हमेशा एक ही लड़की का घोस्ट आया करता था और उस लड़की का घोस्ट विक्टोरिया को हमेशा एक ही चीज दिखाता था, जैसे कि वो सुइसाइड कर रही हो। खैर, अब कंपनी की ओपनिंग पर वर्नावस और एलिजाबेथ एक पार्टी रखते हैं। यहाँ पर विक्टोरिया और वर्नावस एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर विक्टोरिया वर्नावस को अपने बचपन की बात बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल अजाइलम भेज दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं श्रापित हूँ क्योंकि मुझे भूत दिखाई दिया करते थे। खैर, अब इस पार्टी में एंजेलिक भी पहुंच जाती है और वो सीधी वर्नावस के पास जाती है और जब वो विक्टोरिया और वर्नावस को एक साथ देखती है तब वो काफी जेलस होती है। दूसरी तरफ उस बच्चे के फादर उसे छोड़कर कहीं और चले जाते हैं जिससे वो बच्चा काफी दुखी होता है और अपने रूम में चला जाता है। और तभी वर्नावस के घर में काम करने वाले एक आदमी से एक बड़ी सी लाइट उस बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन वर्नावस जल्दी से भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और तभी वर्नावस के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे वो जलने लगता है, जिससे कि वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि वर्नावस कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वर्नावस विक्टोरिया के पास आता है लेकिन विक्टोरिया भी वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद वर्नावस एंजेलिक के पास जाता है, वो उससे कहता है कि तुम मुझे ठीक करो। लेकिन यहाँ पर एंजेलिक उस पर ही इल्जाम लगाती है कि तुमने जंगल में बहुत सारे आदमियों को मार दिया है। यहाँ पर वर्नावस कहता है कि जो भी मैंने किया वो मैंने खुद से नहीं किया, उसके पीछे की वजह भी तुम ही हो। यहाँ पर एंजेलिक कहती है कि आज से 200 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं दोबारा भी वो कर सकती हूँ और मैंने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी सुसाइड करके मर जाए। एंजेलिक कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो नहीं तो मैं दोबारा से तुम्हें उसी कब्र में पहुंचा दूंगी। जिस पर वर्नावस कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और एंजेलिक फिर से एक बार उसे उसी ताबूत में बंद कर देती है और एक बार फिर से वो कोलिन्स फैमिली की उस कंपनी को बर्बाद कर देती है। और जब एंजेलिक वहां से चली जाती है तब वर्नावस की कब्र के पास उसका नेफ्यू आता है और वो उस कॉफिन को खोल देता है। वर्नावस उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल बीत गए हैं, जिस पर वो बच्चा कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 20 ही मिनट गुजरे हैं। इसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास पहुंचती है, वो उनसे कहती है कि कोलिन्स फैमिली ने एक वैम्पायर को अपने पास रखा था और इसीलिए वो पुलिस को लेकर कोलिन्सवुड पहुंच जाती है ताकि वो उस पूरी फैमिली को अरेस्ट करवा कर अपना बिजनेस ठीक से चला सके। और तभी वहां पर वर्नावस पहुंच जाता है और सभी के सामने मान लेता है कि हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं मैं उन सभी को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो कहता है कि इस सब के पीछे एंजेलिक है और वो उसकी सच्चाई सभी को दिखाने के लिए सबके सामने उसका खून पी लेता है। लेकिन इससे एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो भी एक इंसान नहीं थी बल्कि वो एक विच होती है। और अब यहाँ पर वर्नावस और एंजेलिक के बीच फाइट होने लगती है और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ की बेटी आ जाती है जो कि एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी का ये रूप देखकर काफी हैरान होती है। अब इसके बाद एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच फाइट होने लगती है लेकिन यहाँ पर एंजेलिक उस पर ब्लैक मैजिक कर देती है और उसे बड़ी ही आसानी से हरा देती है। यहाँ पर एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को क्या कर दिया है। यहाँ पर एंजेलिक उसे बताती है कि जब तुम्हारी ये बेटी छोटी थी तब मैंने इसे एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था
और मैंने ही तुम्हारी बहन यानी कि उस बच्चे की माँ को समुद्र में डुबाकर मार दिया था। और साथ ही वो वर्णावस से भी कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तभी यहाँ पर एलिजाबेथ का वो नेफ्यू यानी कि वो छोटा बच्चा पहुंच जाता है। वो यहाँ पर एंजेलिक को धक्का देने लगता है और इस पर एंजेलिक उससे कहती है कि अब सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी। अभी एंजेलिक उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी यहाँ पर उस बच्चे की माँ की आत्मा पहुंच जाती है और वो एंजेलिक पर जोर से चिल्लाने लगती है। इससे एंजेलिक जाकर एक झूमर पर टकरा जाती है और वो झूमर के साथ नीचे गिर जाती है। और अब एंजेलिक भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। और यहाँ पर वरना बस सभी से कहता है कि सभी लोग घर से जल्दी से बाहर चले जाओ। और यहाँ पर कुछ ही पल में पूरे घर में आग लग जाती है और एलिजाबेथ सभी को लेकर घर से बाहर आ जाती है। यहाँ पर वर्णावस के उस गुलाम को भी होश आता है और वो भी बाहर चला जाता है। इसके बाद वर्णावस एंजेलिक के पास जाता है, वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, बल्कि तुम अपने काले जादू से मुझ पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एंजेलिक कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं तुमसे प्यार करती थी। और इसके बाद एंजेलिक उसे अपना दिल निकाल कर दे देती है और अब वर्णावस के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। अब इसके बाद वर्णावस घर के बाहर विक्टोरिया को ढूंढने के लिए जाता है, जो कि एंजेलिक के काले जादू की वजह से सुसाइड करने के लिए जा रही थी। विक्टोरिया भी उन्हीं पहाड़ से कूदकर सुसाइड करने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वर्णावस पहुंच जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। यहाँ पर विक्टोरिया उससे कहती है कि तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया, हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो, क्योंकि तुम अंधेरे में रह सकते हो और मैं उजाले में, जहाँ तुम कभी आ नहीं सकते। यहाँ पर वर्णावस कहता है कि मैं इसका भी कोई इलाज निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया कहती है इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो ये कहकर नीचे कूद जाती है। और अब वर्णावस भी उसके साथ नीचे कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों जमीन पर गिरते वर्णावस उसे काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद वर्णावस सोचता है कि शायद विक्टोरिया मर चुकी है, और तभी विक्टोरिया अपनी आंखें खोल देती है, जिसका मतलब था कि अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है। और यहाँ पर विक्टोरिया उससे कहती है कि तुम मुझे विक्टोरिया मत कहो, बल्कि तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ जो तुमने मेरा निकनेम रखा था, क्योंकि आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर ही बन चुकी हूँ। और अभी एक दूसरे से हमेशा के लिए मिल जाते हैं और अमर हो जाते हैं। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।